सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना कुलवीर सिंह स्वागत करता हूं जी आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर दिन की तरह आज फिर से एक नई वीडियो आप लोगों के लिए सीधा किसान के घर से लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, प्रॉपर पहले एड्रेस बता देना चाहता हूं जी, गांव गंगा, तहसील नथाणा और डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, पंजाब का ये एरिया जी, बठिंडा और रामपुरा फूल और कस्बा भगता भाई का, जहाँ से आप लोग वीडियोस अपने चैनल पर देखते रहते हो, उसके तीनों ये ना कस्बा और शहरों के बीच में भाई सब का ये गांव है जी गंगा। और आज की वीडियो में जो चार भैंसें आप लोग सामने देख रहे हो, किसान के घर की भैंसें आप लोगों के लिए सेल के लिए अवेलेबल हैं जी। काफ़ी पशु घर पर पहले और भी रखे हुए हैं, जैसे इधर भी आप लोग गाय देख रहे हो, पशु ज़्यादा हो गए। आगे की डिटेल बातचीत करेंगे कि क्या कारण है जो अपनी चारों की चारों भैंसें ये सेल कर रहे हैं, जिसमें से दो तो ये नीली रावी के हीरे हैं जी। ये वाली भैंस बिल्कुल ताजी ब्याई हुई है, ये अभी 8 महीने की ग्याबिन है। और इधर वाली दो मुरा ब्रीड की भैंसें आ गई जी, दोनों की दोनों अभी ब्याने के लिए कुछ समय निकालती हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड वाली भैंसें हैं जी। डिटेल आगे की बातचीत वो भाई सबके साथ करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, कैसे हो जी? बढ़िया, ठीक ठाक। घर परिवार भी अच्छा है जी? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो अपना शुभ नाम और यहाँ का एक बार अपना एड्रेस बता दीजिए। वीर जी, मेरा नाम सुखमंदर सिंह, पिंड गंगा, जिला बठिंडा, तहसील नथाणा। ओके जी, बठिंडा से कितना रह जाता है जी? ये बठिंडा, रामपुरा फूल और भगता भाई का से 22 किलोमीटर। अच्छा, तीनों से 22 22। हाँ, किलोमीटर में आया था। 20 22 22। हाँ, किलोमीटर बीच में है। हाँ जी। साथ में बड़ा गांव आ गया जी नथाणा। हाँ, सही है जी। तो पहली बात तो कोई व्यापार का काम नहीं है जी? नहीं जी, नहीं। घर की भैंसे हैं अपनी। हाँ, जो सेल कर रहे हैं ना जी। सबसे पहली बात के कारण क्या बन गया जी, इतनी अच्छी क्वालिटी की भैंसे तैयार करने में समय बहुत लग जाता है। हाँ जी, क्या कारण से सेल करे? कारण भी रहे इदा भी पशु संभालने औखे है, लेबर मिलती नहीं। सही है जी। और एक सब तो बड़ी प्रॉब्लम है थां दी। सही है, जगह की दिक्कत है। हाँ, आपके इधर मैं देख रहा हूँ जैसे, और साथ में अपना साइलेज का काम भी है। साइलेज का प्लाट अपना खुद का घर का लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो कहने का मतलब एक तो उससे भी हो जाता है, बाकी आपकी केयर भी अच्छी है। हाँ जी। साइलेज के कारण भी पशु ज्यादा रिष्ट पुष्ट रहते हैं। हाँ जी। सही है जी। हाँ जी। और आज अपनी जो चार भैंसे, दो मुरा की और दो नीली रावी की, प्रॉपर रिकॉर्ड वाली सेल करने जा रहे हैं। सही है जी। हाँ जी। अब पहले बात करेंगे जी, इस पहले नंबर वाली जो अपनी भैंस आ गई जी, इसकी डिटेल दोस्तों कद काठ एक बार देखते जाइए, डिटेल भाई सब पहले इसकी बता दीजिए, फिर चला कर दिखाएं। मेरे ये खुद बी बी बन 330 की बच्ची है। अच्छा जी, नाभे वाले बोल की। ओके जी। और इसके आगे लगा हुआ है विकास का सीमन, आगे विकास का मुरा का सीमन। हाँ, लगा हुआ, मुरा का लगा हुआ है। और फर्स्ट ब्यांत का इसका दूध था 13 लीटर। 13 लीटर पहले ब्यांत में, पहले ब्यांत का, और खीरी थी तब। खीरी ब्याई थी, अभी मुंह से कितने? अभी मेरे ख्याल में 4 दांत हुई नहीं शायद। अच्छा, प्रॉपर हुई नहीं। हाँ, कहने का मतलब 4 दांत से ऊपर तो है ही नहीं। है ही नहीं, नहीं। 4 दांत होने वाली। हाँ, सही है जी। हाँ जी। और इस बार अभी कितना समय पड़ा हुआ है जी ब्याने? अभी इसके तकरीबन है 25 दिन। 25 दिन ब्याने के लिए अभी बाकी है। हाँ, तो एक बार चला कर दिखा दीजिए दोस्तों। पहले ब्यांत में खीरी ब्यागी थी और 13 लीटर तक दूध पहले ब्यांत में निकालने वाला दिया है। अभी प्रॉपर 4 दांत भाई साहब बोल रहे हैं कि हुई नहीं है। 4 दांत से कहने का मतलब ऊपर तो है ही नहीं, जो गारंटी वाली बात है। बाकी चलाकर भैंस आप लोगों को दिखाते हैं, क्वालिटी, कद काठ, रंग रूप, बॉडी स्ट्रक्चर, ब्रीड क्वालिटी आप लोग देखते जाइए। आगे जो सीमन भाई ने लगवाया है जी, वो भी आप लोगों को बताया। कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों स्क्रीन के ऊपर चल रहा है जी, जिस भी भाई को ये झोटी बोलूंगा मैं 4 दांत में ब्याने के लिए, दूसरे ब्यांत ब्याने के लिए भी समय है, जिस भी भाई को पसंद आती है तो आप लोग इनके साथ संपर्क कर सकते हो, बातचीत कीजिए। जैसी क्वालिटी आप लोगों को लगती है आप लोग जजमेंट कर सकते हो, बाहर तक घुमा दीजिए। हाँ, आंचलों की तरफ से या अडर की तरफ से या शारीरिक बनतर की तरफ से, मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें कोई कमी नहीं। पिठपुड़ा देखिए, गिनती के कुछ बाल पूंछ के नीचे से सफ़ेद अकेला अकेला आंचल, रंग रूप की तरफ से बहुत शानदार। कितना समय बताया था जी अभी पड़ा इसका? 25 दिन बाकी है। 25 दिन। और दूसरा इन्हें ना 8 महीने पूरे दो देता है। अच्छा, भी 8 महीने तक ब्याने के। हाँ, बाद 8 महीने तो बोल सकते हैं, कोई कट्टे कटरू तो नहीं मिलती थी, खाली थापी देके बैठ जाते थी। अच्छा जी। हाँ, और इस बार कितने दूध की आशा है, कितना दे देगी? 15+ जाना चाहिए, 15+ आराम से। और अंत में जो बात आ गई जी दाम के बारे में, दाम फोन पे करेंगे। अच्छा, जो भी दाम। हाँ, कोई भाई बातचीत करना चाहता है तो कॉल। हाँ, कर ले, फोन पर ही किया। हाँ जी, हाँ। ओके, बांध दीजिए। इससे आगे दूसरी भैंस ले, इससे आगे दूसरे नंबर पर दोस्तों एक और, इसे झोटी बोलूं या भैंस बोलूं, कद काठ वजन के हिसाब से तो भैंस बोलूंगा, लेकिन जितनी की इसकी उम्र है उस हिसाब से इसे झोटी बोलना पड़ेगा।
बिल्कुल जेड ब्लैक, एक भी बाल सफेद नहीं है। दूसरे ब्यांत में ये ब्याने वाली मुट्ठी वाला आंचल, और ब्याने में अभी काफी समय पड़ा हुआ है। कद काठ पिठ पुड़ा, मजबूती देखिए भैंस की कितनी जानदार शानदार भैंस है। पांव देखिए, अडर की शेप देखिए, फेस क्वालिटी देखिए, क्या डिटेल है सर इसकी। ये भी आप ल्यांदी सी, ये अपना ना लक्ष्मी डेयरी फार्म वाले किसे बोल दीती है। अच्छा जी, भी कहने का मतलब प्रॉपर, हाँ, प्रॉपर नाम नहीं मेरे को पता। हाँ जी, लेकिन एड्रेस मिल जाएगा जहाँ से हम लेके आए। अच्छा, जहाँ से आप, हाँ, इधर पंजाब से खरीदी या बाहर से खरीदी? नहीं, मैं अपना पंजाब से ली, पंजाब से। हाँ। अब दूसरे ब्यांत में, हाँ जी, दूसरे ब्यांत है। और मुंह से कितने दांत जी? चार दांत। ये भी प्रॉपर चार दांत ही है। कितना समय अभी इसका पड़ा हुआ? अभी इसके हैं तकरीबन 15 दिन। ओके, और इसका कितना दूध पहले ब्यांत में? दूध इसका था 12.5 लीटर। मैंने 3 महीने की ब्याई हुई थी, उस टाइम हीट में थी, चो के लेके आए थे हम। अच्छा, अभी 3 महीने की ब्याई के नहीं, ब्याई हुई थी हीट, 12.5 लीटर नाप कर खरीद, नाप कर खरीद के लेके। और जो दूध आप बता रहे हो, हाँ, वो सिर्फ ये बात नहीं कि बोलने वाली बात, ये जो सच्ची सुच्ची सी बात है, इतना तो है इनका दोनों का, 15 लीटर तो हम आराम से चवाई कर। और एक बात देखने वाले भाइयों को और बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले एक बार आपके घर पर वीडियो के लिए आया था मैं। हाँ जी, लगभग कितना 1.5 साल हो गया होगा जी उसको? हाँ, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, 1 साल हो गया। तब एक साहीवाल गाय की हम लोगों ने वीडियो बनाई थी। हाँ जी, साहीवाल गाय भी ऐसी, हाँ, कि देखकर जिसे दिल खुश हो जाए। वो कितने दाम में सेल की थी? वो 1,20,000 में सेल की थी, पहुंच की थी 1,25 में हमने। अच्छा, कहाँ पर गई थी? लुधियाना गई थी, लुधियाना के। और इसके दूध की कितनी आशा है जी, इस बार ये कितना दे देगी? 15-16+ 15-16 लीटर दूध दोस्तों इस बार है। जो चीज है आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि दूध, हाँ, के बारे में ना मैं 1% भी ये बात नहीं बोल सकता कि कोई गलत बात या कोई गलत गाइड आप लोगों को किया जा रहा है। और है भाई इसकी, हाँ जी, इसकी ना जो अगाड़ी है आम भैंस की, पिछाड़ी में दूध ज्यादा होता है। हाँ, इसकी अगाड़ी में दूध ज्यादा है। अच्छा, HF गायों के जैसे, हाँ, है कहने का मतलब, है ना जी। और दाम इसका भी फोन पर ही रहेगा? हाँ, फोन दाम सभी का फोन पर ही। ओके जी, इससे आगे तीसरी भैंस। इससे आगे तीसरे नंबर पर दोस्तों ये एक नीली रावी की भैंस आप लोगों के सामने आ चुकी है। ये मीडियम हाइट में है दोस्तों। इसका कोई हाइट के बारे में मैं आप लोगों को मिसगाइड नहीं करूंगा कि कोई ज्यादा ऊंचा कद काठ नहीं है इसका, लेकिन वजन में इसके कोई कमी नहीं। पिठपुड़ा देखिए, बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, फेस क्वालिटी, इसकी ब्रीड क्वालिटी देखकर चेक कीजिए। आंचल भी मैं आप लोगों को करीब से दिखा देता हूँ जी। हाँ जी सर, इसकी क्या डिटेल है जी? ये मेरे दूसरे ब्यांत में। अच्छा, ये दूसरे ब्यांत, दूसरे ब्यांत में ये ब्याई हुई है, ब्याई हुई है। NR 480 का बच्चा इसके पीछे, NR 480 का, हाँ, मेल काफ कटड़ा, हाँ, है जी। हाँ जी, कितना समय हो गया जी ब्याई को? इसको 16 दिन हो गया जी, 16 दिन की ब्याई। हाँ। और अभी निकालने वाला दूध कितना? अभी निकालने वाला आज इसके नीचे 11 लीटर दूध रेडी है, 11 लीटर दूध रेडी। और सुबह की मिल्किंग इसकी हुई हो चुकी है। और दोस्तों वीडियो बनाने का अपना एग्जैक्ट टाइम सुबह 7:30 बजे का जी, तो आप लोगों ने अंदाजा लगा लेना की कितना समय मिल्किंग हुई को हुआ। और दूसरा पिछले ब्यांत में इसने 10.5 लीटर दूध दिया था, 10.5 लीटर दोनों, हाँ, समय। उसने कमजोर बहुत ज्यादा थी। अच्छा जी, तो अभी इस बार बीमार हो गई थी थोड़ी सी। अच्छा जी, दूध इसलिए कम है, नहीं खुराक नहीं इसको डाली अभी। अच्छा, अभी कुछ नहीं, लेटी वगैरह कुछ नहीं डाल रहे। कितने दूध पर चली जाएगी जी, कितना मानते हो आप? 14+ जाना चाहिए, 14 लीटर तक आराम से आराम से। ओके, ले जाइए जी, बांधिए। क्वालिटी दोस्तों आप लोगों के सामने, कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है जी। भैंस की क्वालिटी देखते जाइए, जो डिटेल है आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इससे आगे चौथी भैंस चलाकर दिखाते हैं। इससे आगे चौथे नंबर पर दोस्तों अंत में ये एक और नीली रावी की ये बड़ी भैंस आप लोगों के सामने आ चुकी है जी। क्वालिटी इसकी भी देखिए, फेस से क्वालिटी देखिए, रंग रूप देखिए, ब्रीड क्वालिटी देखकर आप लोग चेक कर सकते हो। पिठपुड़ा काफी शानदार। मेन बात जो आप लोगों ने नोटिस कीजिए, किसी भी भैंस में कोई ना तो वजन की कमी है, ना कोई केयर की कमी। भाई सबके मैं काम के बारे में बोल सकता हूँ। आंचल का साइज गैप देख सकते हो और डिटेल जानते हैं। क्या डिटेल है सर इसकी? ये भाई चौथे या पांचवें ब्यांत में होगी। सही, क्योंकि हमने खरीदी है। अच्छा, ये आपके घर की? नहीं, ये पिछले ब्यांत में हमने खरीदी थी। ओके जी, उन्होंने चौथे कह के दिया था हमें। हाँ जी, अभी हो सकता पांचवें, हो सकता छठे भी हो सकता। सही, लेकिन हम कोई इसकी जो चीज है वही असल बात बताई जा रही है। हाँ जी, और दूध इसका हमने 14 लीटर छुआ हुआ। 14 लीटर दूध नापा। हाँ, अभी कितने समय की गैप बिना जी? अभी 2 महीने बाकी इसके ब्याह। 8 महीने की गैप में नेट चेक पास है। चेक पास है, सही है जी। NR 480 का सीमन लगा हुआ है। अच्छा, अभी इसके भी वो जो कटड़ा अपने घर पर पहले, हाँ, है ये वाला, हाँ, उसी तरह का सीमन सेम बिल्कुल इसके लगा हुआ जी। हाँ, और दूध ये भी इस बार मेरे हिसाब से, बाकी इसका ना कुलवीर चवाई में ये मझ ऐसी है कि भी आप बैठ जाओ 2 मिनट में दूध निकाल के खड़े हो जाओ बस। अच्छा, इतनी भी? हाँ, गाय जैसा, गाय भी ज्यादा हार्ड होगी इससे। अच्छा जी, हाँ, चलो अच्छी बात है जी। और बाकी दोस्तों भैंस की क्वालिटी देखिए, इसकी ना एक पिछले ब्यांत की कटड़ी जो इसके साथ में आई थी
वो इसके पीछे साथ में आई थी जब आपने खरीदी थी, साथ में सर। वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों, इधर ना नीली रावी की बहुत शानदार कटड़ी। मेरे दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग देख सकते हो बच्चे इससे आगे कैसे आएंगे। ये कटड़ी है दोस्तों इसकी, जो आप लोग अभी सामने देख रहे हो, जोटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और ये जो एक आप लोग मुरा की कटड़ी देख रहे हो, इसकी माँ भी आप लोगों को पहले दिखा दी। ये पहले नंबर वाली है ना, ये दूसरे नंबर वाली, हाँ ये इसकी, हाँ हाँ इसकी कटड़ी वो है जी। हाँ बाकी दोस्तों कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है जी, जिस भी भाई को चारों भैंसों में से कोई भी पसंद आती है तो भी आप लोग बातचीत कर सकते हो। अगर कोई भाई सारे का सारा लॉट एक साथ खरीदना चाहता है, कोई व्यापारी भाई, तो भी आप लोग संपर्क कर सकते हो। प्रॉपर एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर एक बार सर फिर से दोबारा रिपीट कर दीजिए। वीर मेरा पिंड गंगा, हाँ जी, तहसील नथाना, जिला बठिंडा। ओके जी, रामपुरा पुल बठिंडा और भगता भाई कैसे 22 किलोमीटर, हाँ नथाना से 1 किलोमीटर। ओके जी, कॉन्टैक्ट नंबर जी, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 8264750087। ओके जी, और 9881 01622। ओके जी, धन्यवाद जी, अच्छा लगा बातचीत कर। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल।